हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं डीएस देखो और सीखो चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर से अपने फोटो को वीडियो कैसे बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि काइन मास्टर से अपना फ़ोटो को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें, यानी वीडियो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम ही होगा कि काइन मास्टर ओपन करेंगे। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आप देखिए, उसके बाद क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे, पहला वाला ऑप्शन में जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, खुल गया। यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो जो फ़ोटो को वीडियो बनाना है उसको आपको चूज कर लेना है। जैसे मैं अपना माय फ़ोटो में जाके चूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैं 5 फ़ोटो का दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सिंपल सा 5 फ़ोटो को कैसे करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उसी के लिए बताऊँगा। ठीक है, वो आप लोग समझ जाइएगा और आगे आप लोग बना लीजिएगा जितना लंबा बनाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं 5 फ़ोटो चूज़ करता हूँ, कोई भी जैसे भी, 1, 2। ठीक है फ्रेंड्स, 3, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये 5 फ़ोटो को चूज़ कर लिया हूँ फ्रेंड्स। तो इसको जैसे साइड में जैसे ब्लैक ब्लैक आ रहा है, इसको फुल स्क्रीन में करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए फ़ोटो में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर देखिए, बीच में ये वाला चिन्ह को लगाना है, इसको लॉक कर देना है और उसको ऐसे करके बड़ा कर लेना है, जैसे जहाँ तक रखना है दिखाना है। ये वाला तिरछा था ना फ्रेंड्स, इसीलिए इस हो रहा। ठीक है, इसको लॉक करके ओके कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको भी ऐसे करेंगे, सब फोटो जितना है उसको भी ऐसे करके सेट कर लेंगे जितना तक दिखाना है। ठीक है फिर इसको भी हो गया, फिर इसको भी करेंगे। ठीक है, इसको भी सेट कर देंगे, हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद इसको भी करेंगे, सब जितना है उसको सबको कर लेंगे। ठीक है फिर हम सेट कर लेंगे, हो गया। मैं थोड़ा हड़बड़ी में कर रहा हूँ, आप आराम से कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सीधा शुरू में, इसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का आइकन बता रहे हैं, यहाँ पर दबाइएगा। दबाने के बाद ये सारा इफेक्ट आएगा, बहुत सारा इफेक्ट आएगा, आप जिसको भी देख सकते हैं अपडेट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब डाउनलोडिंग किया हुआ है। अगर आपको डाउनलोडिंग करना नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, तो फिलहाल आप देख लीजिए, नीचे वाला ऑलरेडी रहता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, वही वाला मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं फंड ट्रांजेक्शन में ये वाला लगा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का होगा, है ना, हो गया ओके। फिर इसको भी कुछ दे दीजिए, इसको भी दूसरा अलग कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बीच में लगा दीजिए, इसको भी लगा दीजिए, इसको ये वाला लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको भी एक तो दे देंगे, कोई भी इससे ये वाला दे देंगे। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद शुरू में आएंगे। ये तो इफेक्ट हो गया, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से इफेक्ट हुआ, इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद फिर आएगा, इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद और आएगा, इस तरह से हुआ। उसके बाद फिर और आएगा, इस तरह से हुआ। ठीक है फ्रेंड, ख़त्म हो गया। फिर इसको अभी क्या करेंगे, इसको क्या बाकी है गाना डालने के लिए, तो गाना में ऑडियो में क्लिक करेंगे। एक कोई सा भी एक तो गाना ले लीजिएगा अपना, जैसे मैं सॉन्ग में जाता हूँ। सॉन्ग में जाने के बाद मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ फ्रेंड। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। फिर यहाँ से थोड़ा बजा के देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है, यहाँ से थोड़ा फट गया फोटो वोटो, ये देखिए इस तरह से आपको पूरा ऑडियो गाना है ना जितना, उतना लंबा आपको फोटो ऐड करके बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। इसको फिर राइट साइड करके या ट्रिम टू राइट और प्लेहेड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कट गया है, ओके कर दीजिएगा। बस अभी आपका बन के कम्प्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आप पूरा लंबा बना सकते हैं अपना चुन चुन के। सिंपल डिजाइन है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, आप चलाने से पता चलेगा और धीरे धीरे मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, हो गया। उसके बाद आप लेयर में जाएंगे, यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स है, स्टिकर है, टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है। तो इसमें कुछ आपका अपना नाम लिखना चाहेंगे तो हैंड टेक्स्ट में करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ शंकर, नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके किए। ओके करने के बाद यहाँ पर सेट किए, सेट करने पर इसका फॉन्ट थोड़ा स्टाइल वाला दे दीजिए। यहाँ से जाके बहुत सारा फॉन्ट है, ये सब भी डाउनलोडिंग करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको अच्छा लगे आप ले लीजिएगा, जैसे मैं अच्छा लग रहा। ठीक है फ्रेंड, इसको यहाँ पर ला के रख दीजिए। कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से कीजिएगा, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, हो गया। फिर इसका थोड़ा आउटलाइन करने से अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए साइड में ब्लैक आ गया, इसको जितना बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, तो मैं हल्का सा रहने दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। फिर जैसे फ्रेंड अपना नाम हुआ, इसको अभी किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है वो भी कर सकते हैं। जैसे इन एनिमेशन में जाइएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह का ऑप्शन है, जैसे भी आप रख सकते हैं इस तरह का हम रखेंगे। ठीक, बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। ओके करेंगे फिर किस टाइप ख़त्म होगा, तो आउट एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से ख़त्म होगा, इस तरह से। ठीक है, हम इधर वाला ही करेंगे। ठीक है, यही वाला अच्छा लग रहा है, ओके कर देंगे। देखिए अभी प्ले करके देखते हैं, देखिए वो अंदर चल गया। इस तरह से अपने आइडिया से जितना अच्छा बना सकते हैं। मैं तो इसे थोड़ा हल्का फुल्का बता दिया हूँ, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देना हो। फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे, तो उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर दबाएंगे, ये देखिए एक्सपोर्ट सेटिंग मेरा किया हुआ है, इसको ओके कर देंगे फ्रेंड। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए सेविंग हो रहा हो गया फ्रेंड्स। अभी बैक आएंगे, बैक आने के बाद अभी गैलरी में जाएंगे, गैलरी में आपका बनकर रेडी हो गया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए गैलरी में भी, ये देखिए बनकर रेडी हो गया। तो इसी तरह से आप बनाइए अच्छा से। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।